कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में लौटती है तो वह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संविधान की एक प्रति को हाथ में लेते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के दौरान केवल अमीर लोग और मशहूर हस्तियां मौजूद थी, गरीब मजदूर या किसान नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया के घटक दल संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी और संविधान का मसौदा तैयार होने से पहले गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और किसानों के पास कोई अधिकार नहीं था और 1950 में कानून लागू होने पर उन्हें ये अधिकार दिए गए। गांधी ने आगाह किया कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो गरीबों, आदिवासियों और दलितों को प्राप्त अधिकार लागू नहीं रहेंगे। मनरेगा, भूमि अधिकार, आरक्षण, पेंशन, अन्य कल्याणकारी उपाय जैसी योजनाएं भी खत्म हो जाएंगी। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर वे चुने गए तो वे संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। भाजपा चाहती है इस किताब को फेंक दिया जाए और केवल 20-25 अरबपतियों को देश चलाना चाहिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने कहा कि संविधान में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य जातियों के गरीब लोगों को आवाज दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पहले ही खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो वे संविधान को बदल देंगे। गांधी ने कहा, यह संविधान गरीबों की आत्मा है और इसे कोई छू नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बदल सकती। ये भाजपा वाले सपना देख रहे हैं। कांग्रेस ने B.R. अंबेडकर और देशवासियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और संविधान का मसौदा तैयार किया जो भारत की आवाज है। उस उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के लिए नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वे, यानी कि भाजपा वाले कहते हैं कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। यदि आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो आप सार्वजनिक क्षेत्र रेलवे का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप अग्निवीर योजना क्यों लाए? ये सभी काम आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 22 से 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए हैं। ये राशि किसानों के 25 वर्षों तक ऋण माफ करने और 24 वर्षों तक मनरेगा के तहत लाभ दिए जाने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ किया गया? एक गरीब व्यक्ति निजी अस्पताल में जाता है और कर्ज में डूब जाता है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कहा कि वे गरीबों का कर्ज माफ कर देंगे? गांधी ने कहा कि इन 22 लोगों के पास 70 करोड़ भारतीयों के बराबर पैसा है। गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई देश में प्रमुख मुद्दे हैं, लेकिन मीडिया उन्हें नहीं उठाता। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वे अपनी महालक्ष्मी योजना के जरिए करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाएगी। योजना के तहत सरकार पात्र महिलाओं को लखपति बनाने के लिए उनके खातों में 1 लाख रुपए हर साल भेजेगी। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 22 से 25 उद्योगपतियों को अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस निश्चित रूप से करोड़ों महिलाओं को लखपति बना सकती है। उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप योजना के वादे का भी जिक्र किया। कांग्रेस में विधायक फूल सिंह वरैया को भिंड लोकसभा सीट से भाजपा की निवर्तमान सांसद संध्या राय के खिलाफ मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की भिंड और 7 अन्य लोकसभा सीट पर मतदान 7 मई को होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।